थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए।
आपका परिचय? डॉक्टर राम अवतार पांडे, अध्यक्ष श्री आदि रामलीला लाड धरोवर्णा संगम। पांडे जी, आपके आयोजन के बारे में बताइएगा। आज का ये आयोजन भरत मिलाप का आयोजन है। भरत मिलाप की ये लीला सारे समाज को ये शिक्षा देती है कि यदि परिवार में, विशेषतः भाइयों में सुमति हो, संपत्ति से भ्रातृत्व बड़ा हो, तो परिवार की गई हुई खुशहाली लौट के आ सकती है। परिवार खुशी हो सकता है, परिवार संपन्न हो सकता है, समृद्धशाली हो सकता है। राम और भरत ये दो ऐसे पात्र थे जिन्होंने सारी दुनिया के सामने भ्रातृत्व प्रेम का अनूठा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसके आगे राज्य पूरा, राजतंत्र पूरा, राज वैभव पूरा गेंदे की तरह हो गई और दोनों लात से मारते रहे कि तुम मालिक कि तुम मालिक। जिस भारत को माता ने, गुरु ने सारी अयोध्या में राजा मान लिया था, उस भरत ने एक पल के लिए भी अपने को राजा नहीं माना। उसने भ्रातृत्व की को बड़ा माना और भाई के आगे राज्य को ठोकर मारा। चित्रकूट में मंगाने पहुंचा और मनाने के बाद जब पिता के वचन को राम नहीं छोड़ पाए और तब राज्य चलाने के लिए चिन्ह में खड़ाऊ लिया और उस खड़ाऊ को सिंहासन पर बैठ करके धरती के अंदर स्थान बना करके कि मैं राम अपने बड़े भाई के बराबर नहीं रह सकता, उसने 14 साल बिताया। और चित्रकूट के चलते समय इस बात की चेतावनी दिया कि अगर 14 साल से एक दिन भी बेसी होगा तो आप हमको जिंदा नहीं पाएंगे। और 14 साल तक राज्य चलाया और वह राज्य दशरथ के समय से अच्छा चला। उसका वैभव बढ़ा, सब कुछ हुआ, सुरक्षा बढ़ी। सुरक्षा तो इतनी बढ़ी कि बिना फल के बाण के हनुमान जी नीचे चले आए, ये सुरक्षा थी उस समय। लेकिन एक दिन रहा, एक दिन अवध अधारा। राम को भी पता लगा कि यह एक दिन कितना भारी होगा और उन्होंने हनुमान को कहा कि पहुंचने में देर हो सकती है, मैं अपने भाई से हाथ धो सकता हूं, जाके खबर दे दो। और 14 साल की उजड़ी, दुखी, पीड़ित अयोध्या के होठों पर मुस्कान आई, राम भरत मिले। काश हर साल होने वाले इस दृश्य को देख करके हम अपने पर कुछ उतारते तो ये जो घरों में 1 इंच जमीन के लिए भाइयों की हत्या होती वो तो नहीं हो सकती। घरों में रामलीला का महत्व कितनी पुरानी है? रामलीला, रामलीला यह जो है, यह जिस मानस से हो रही है उस मानस के रचयिता के समय यानी तुलसीदास के समय उनके समकालीन मेघा भगत द्वारा सन 1542 से ये चली आ रही है, अनवरत लगातार होती चली जा रही है।